আজ গোর্খা জনমুক্তি কেন্দ্রীয় সমিতি যুবা মোর্চা এক পল আজ শুরু কিয়া আজ দার্জিলিং পাহাড় তরাই ডোস এক ব্যাপক পোস্টারিং হুয়া পোস্টারিং কা মেন উদ্দেশ্য ক্যা হ্যায় কি জিস হিসাব সে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নে জো হাম লোগ কা পার্টি প্রেসিডেন্ট বিনোদ মুখার্জী কে সাথ জো পলিটিক্যাল সলিউশন কা সমাধান কা জো বচন হুয়ানে হুয়া স্বয়ং নে দিয়া থা तो उस बच्चन को लास्ट जो दार्जिलिंग नगर पालिका का चुनाव के बाद में जो जीते का इलेक्शन होने का संकेत जब वहाँ ने एक स्टेटमेंट में जाहिर किया था तो उस हिसाब से हम जीते का विरोध तो नहीं कर रहे मगर जिस हिसाब का पॉलिटिकल सोल्यूशन का वहाँ ने बच्चन दिया था उसमें आज वहाँ का स्टेटमेंट एक डुअल स्टेटमेंट होने के कारण से हम गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा चाहते हैं कि एक पहाड़ का जो समस्या का समाधान पहले हो उसके बाद में जो भी चुनाव हो वो चुनाव के लिए हम भी तैयार है जब तक पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होता है तब तक जीते का इलेक्शन नहीं होने से यहाँ का जो शांति जो पीस का भाव है वो बरकरार रहेगा यही मैसेज हम लोग देना चाहते हैं बंगाल सरकार के साथ टीएमसी सरकार के साथ आज को खजन मुख्य मोर्चा का एक अंडरस्टैंड यही है अब ये पोस्टरिंग ममता बनर्जी का जो विजिट है उसके कारण हम लोग ने नहीं किया है ये पहले से 10-15 दिन से हम लोग का एक प्लान था क्योंकि जब स्टेटमेंट जाहिर किया था स्वयं मुख्यमंत्री ने तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग का गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विशेष करके ये जो हम लोग का ये युवा मोर्चा का जो ग्रुप है हम लोग चाहते हैं कि ये जीते का इलेक्शन ना हो ताकि एक पॉलिटिकल सोल्यूशन हो उसके बाद एक चुनाव होने से अच्छा रहे क्योंकि वही डील हुआ था पहले 2020 में मगर स्वयं सीएम का जो एक स्टेटमेंट में जब एक डिफरेंसेस आया था तो उसके बाद में हम लोग चाहते कि ये जीते के इलेक्शन के आगे आगे पॉलिटिकल सोल्यूशन हो आज तक बांग्ला जानुन सब खबर सवार आगे सब्सक्राइब करुन आज तक बांग्ला बेल आइकन प्रेस करते भूलें ना